सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवानी गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गैर बन के न मिले हम, तुम्हें अपना कर लें। क्या बात है, ये थे मेहदी हसन साहब, उनकी आवाज़ सुन रहे थे आप। गैर बन के न मिलें, तुम्हें अपना कर लें। और मैं आपको बताना चाहूँ, आपका खैर मकदम करना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है आप जानते हैं कारवाने गज़ल, और मैं हूँ आपका मेज़बान तलत अज़ीज़। एक नया ताज़ा कारवां लेकर आपके सामने फिर से मौजूद। आज 23 अगस्त है, बहुत ही खूबसूरत दिन भी है और इतवार का दिन है, और आप ये सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। हाँ, आपको याद दिलाता रहता हूँ मैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये 92.7 और कारवाने गज़ल आपके रूह, दिल और दिमाग में बस गया होगा। अभी बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, फिर भी आदत से मजबूर हूँ इसलिए मैं कहता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो मेहदी साहब का नगमा है, गैर बन के न मिले हम, तुम्हें अपना कर लें, तो गैर तो नहीं थे आप, लेकिन जब हमने कारवाने गज़ल की शुरुआत की थी तो हम गैर एक किस्म से थे, आप और मैं। लेकिन जैसे कारवां बढ़ता गया, ये गैरियत नज़दीकियत में मुब्तला हुई। नज़दीकियत तो लफ्ज़ नहीं होता उर्दू में, माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं इसको कॉइन कर रहा हूँ, अपनाइयत होता है लफ्ज़। तो एक अपनाइयत जो आप में, मेरे में एक पैदा हुई, तो वो आज यहाँ तक पहुँची है कि हम कितने करीब हो चुके हैं एक दूसरे के, कि मैं जब आपसे बात करता हूँ तो मुझे आप लोगों के जो तासुरात हैं, जो आप फील कर रहे हैं कारवां सुनते सुनते, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। मेहदी साहब ने गाई थी ये भैरवी में, उन्होंने कहा था मेरे सामने कि ये एक भैरवी जो है, ख़ास भैरवी के भी कई रंग होते हैं, ये राग जो रागनी है एक्चुअली भैरवी, उसके कई कई शक्लें होती हैं। तो ये एक ख़ास शक्ल थी जिसमें उन्होंने कंपोज किया था, वो अभी उनकी गाई हुई ये धुन है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ। ये मेहदी हसन साहब की धुन, मैंने इसकी धुन बहुत पहले बनाई थी, मैंने गाई भी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेहदी साहब तो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने उस्तादी रंग में गाया, मैं थोड़ा सा अपने रंग में गाई, ये बनाई थी मैंने। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, सर आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। इसमें कॉर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है थोड़ा सा। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हरफे दुआ में हूँ, मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हरफे दुआ हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का,
नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। ये मेरी कॉम्पोजिशन थी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। क्या बात है जगजीत साहब ने ये नगमा, मैं तो चिट्ठी कहूँगा इसको, खत ही है, इतने प्यार से उन्होंने गाया, इतना खूबसूरत गाया कि मेरे ख्याल ये खत को उन्होंने अमर कर दिया, एब्सोल्युटली इमॉर्टल। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अब आज का ज़माना खत खतूत का नहीं है, खत मतलब एक्चुअली लेटर, लिखा हुआ लेटर। आजकल का ज़माना ईमेल का है, वो भी चला गया। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप का है और एसएमएस का है और जो भी आजकल सोशल मीडिया है। प्यार का इजहार भी होता है तो इन्हीं के ज़रिए होता है, और प्यार जब ख़त्म हो जाता है और जब रिश्ता तोड़ना होता है तो इन्हीं के ज़रिए कुछ लोग एसएमएस भेजते हैं और कुछ लोग स्विच ऑफ कर देते हैं अपना। ये बातें छोड़ी, लेकिन जो ख़त, जो उस ज़माने की बात है, विजुअल क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है खत से। आप एक जहन में खाका रखते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स हैं, तो आप उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट करते हैं। जब तक आप वो वर्ड्स में ट्रांसलेट करें और वो ख़त पहुँचता है जहाँ पहुँचना है, और जब वो ख़त पढ़ा जाता है तो आपने जो एक तस्वीर खींची है वो तस्वीर उस शख्स के सामने खुलती है। कितनी खूबसूरत बात है। जैसा कि एक मुझे नगमा याद आ रहा है, निदा फाजली साहब ने लिखा था, मैंने रिकॉर्ड भी किया था, ये नज़्म है कि कहते हैं कि खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। देखिए खत पे ही बात है, पूरी तस्वीर खींच रहे हैं, ये गांव की बात कर रहे हैं अपनी। खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। इठलाती मतलब जो वाइंडिंग, छोटे छोटे गाँव में जो गलियां होती हैं, तो इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। अब ये कहते हैं आगे, शीशे सा धुला चौका मोती से चुने बर्तन। अब आप सोचिए, आपके सामने वो पूरा, वो सारा पिक्चर सामने आ रहा है वो गांव में, शीशे सा धुला चौका मोती से चुने बर्तन, खिलता हुआ एक चेहरा हंसते हुए सौ दर्पण, खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। वो ऐसी कुछ सुनती है, खत है के बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। खत है के बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। अब मैं ऐसे ही गा दिया, एक मेरा एल्बम था बहुत अरसा पहले, मैंने रिकॉर्ड किया था। निदा फाजली साहब का कलाम है बाय द वे, और निदा साहब ने भी क्या अपने हिसाब से लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि ये आप लोग सुने, इसका लुत्फ उठाएं। ये अक्सर लोग जब उर्दू बोलते हैं तो लुत्फ से वो लुफ्त हो जाता है, तो मैं इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, लुत्फ मतलब मज़ा। बहुत मज़ा लें आप ये ख़त का। इससे पहले आपने जो मज़ा लिया जगजीत साहब के ख़त का, अब मेरा ख़त जो मैंने गाया है, निदा साहब ने लिखा है, उसका आप मज़ा लीजिएगा। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम, ये शाम, कौन सी शाम? कारवाने गजल की शाम जी। अजीब तो नहीं है, लेकिन अजीब भी है, लेकिन खूबसूरत भी है। वाह वाह, किशोर दाने और गुलजार साहब का एक कॉम्बिनेशन, और मेरे ख्याल आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन म्यूजिक है, कॉम्बिनेशन इनका जो था ना, अजीब सा था वाकई। तो शाम की बात कर रहे हैं, और शाम अजीब, और शाम, शाम में क्या होता है, तो शाम पर कुछ जहन में आ रही बात, कहते हैं कि एक शायर, मैं नाम तो नहीं लूँगा अभी फ़िलहाल, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा शेर था मुझे, शाम होते ही तेरी याद की पागल खुशबू आँखों से सुकून दिल से मिटा देती है। शाम में ऐसे ही होता है उमूमन। और जो फिर और एक कोई कहते हैं कि शाम आँखों से ढली पलकों पर आंसू आए, शाम
आंखों से ढली पलकों पे आंसू आए, रात की बाहों से तेरी ही खुशबू आए। देखिए, याद, शाम, खुशबू, ये सारी बातें जो है ना, दीज आर ऑल मेरे हिसाब से ट्रिगर्स हैं हमारे ह्यूमन सेंसिबिलिटीज़ में। अगर आप वहाँ सुन रहे हैं, आप भी अगर आपको कोई खुशबू आ जाए या कोई ऐसी, तो आपकी कोई मेमोरी उससे जुड़ी हुई जो होगी ना, वो फौरन आपको अपने शिकंजे में या अपने पंजे में ले जाएगी, आप उसी में गुम हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि चलिए हम वील गो बैक, किशोरदास से थोड़ा हम पीछे जाते हैं। और आपको याद दिला दूं कि अगर आप SMS करना चाहते हैं रिक्वेस्ट, तो 55454, याद रखिएगा 55454 नंबर है, उस पे SMS कीजिए और टाइप कीजिए बिग BIG स्पेस CEG, मतलब शॉर्ट फॉर्म फॉर कारवाने गजल, CEG, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिग स्पेस दीजिएगा फिर CEG, तो आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा और आपकी जो फरमाइश है हम उसको रजिस्टर कर लेंगे। और इंशाल्लाह अगली बार जैसा भी जितना भी हो सका, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइशें भी हम जितनी हो सके प्ले करें। वाह, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या कॉम्पोजिशन, क्या गायकी, क्या वर्डिंग्स, लिरिक्स, वाह मजा आ गया मुझे भी। और आपको याद दिला दूं, मैं वापस आ गया हूं और ये प्रोग्राम है कारवाने गजल, और मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पर। दिस वाज अ गोल्डन पीरियड, और ये जो अभी आपने गाना सुना ये उसी दौर का है। तो इसमें बातें क्या थी, बातें ये हैं कि बेसिकली एहसास है, फीलिंग्स है और डेप्थ है, इसलिए तो खास बात है। इसलिए आज भी आप और हम ये गाने जब सुनते हैं तो हम गुम हो जाते हैं। तो मैं आपको एक अपनी गाई हुई गजल मैं सुनाना चाहूंगा, कुछ लोग की बात कर रहे हैं शायर। कुछ लोग जान कर भी हमें जानते नहीं, कितने बदल गए के पहचानते नहीं। कुछ लोग जान कर भी हमें जानते नहीं। इसका हासिल गजल शेर है, अच्छा कहेगा आप बुरा मानने लगे, कैसे इस्तेमाल किया जाए ने भी, अच्छा कहे काप बुरा मानने लगे, हम तो बुरा कहे का बुरा मानते नहीं। ये एक एल्बम था मेरा बहुत पुराना, उसमें मैंने गाई थी ये गजल। तो चूंकि ये बात कुछ मिलती जुलती है इसलिए मैं सुना रहा हूँ, सुनिएगा और याद रखिएगा कि किसी वजह से अगर आप आज का प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो अगले शनिचर को आप इसी प्रोग्राम को सुन सकते हैं, वही वक्त 9 बजे से 11 बजे तक। और अगर आप मुझसे राबता कायम करना चाहते हैं SMS, तो मैंने बता दिया SMS के जरिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ कमेंट्स भेजना चाहते हैं, अपने तासुरात भेजना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आप मेरे फेसबुक पेज पर, म्यूजिशियन पेज है तलत अजीज, उस पर आप मुझे भेजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और ट्विटर भी मेरा जो है हैंडल है @TalatAziz2, यानी कि digit2, उस पर भी अगर आप भेजें तो जरा नवाजी। चलिए ये गजल सुनिए। तो मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज कारवाने गजल प्रोग्राम में, और अभी आप सुन रहे थे, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना पीने ना दिया। क्या मूड है, ऐसा एक मकाम जिंदगी में आता है तो वो मुब्तला हो जाते हैं, उसमें बह जाते हैं, और फिर जो फीलिंग्स आती हैं, जैसा कि आपको मैं फीलिंग्स शायर की सुनाता हूँ, एक गजल जहन में आई है।
सहर हुई भी तो हमने दिए, बुझाए नहीं। सहर हुई भी तो हमने दिए, बुझाए नहीं। कि जिनको आना था अब तक वो लोग आए नहीं। सहर हुई भी तो इंतजार की घड़ियां जो होती है ना माशूक की या इश्क में, सहर हुई भी तो हमने दिए बुझाए नहीं, दिए जला के रखे इस आस में कि शायद शायद वो आ जाएं। शायद वो एक आस होती है, वो आस पर ही आशिक जीता है। कहते ना दैट होप इज व्हाट मेक्स द लवर एब्सोल्युटली लिव ऑन दैट होप। इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी ना देख, जलवाए आफ्ताब बन, जर्रे में रोशनी न देख। जलवा जो होता है ना आफ्ताब का, सूरज का जलवा होता है, उसमें मिट जा ताकि तू भी उस रोशन हो जा, जर्रे में रोशनी न देख। कितनी बड़ी बात है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। ये भी एक शेर याद आ गया अचानक फिल्मी। तो चलिए आगे बढ़ाता हूँ प्रोग्राम को और ये नगमा सुनाते हैं आपको। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। वो है ना जैसे जितनी भी लेजेंडरी लव स्टोरीज हैं आप देखिएगा, लैला मजनू शीरीन फरहाद, ये सारी हैप्पी एंडिंग नहीं होती हैं, वो ऑलरेडी ऑलवेज ट्रेजिक एंडिंग होती हैं। तो क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेजिडी में ही कुछ कामयाबी है। सुनिए आपको याद दिला दूं, मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक, कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम तलत अजीज के साथ। अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आपसे अलविदा चाहूं, लेकिन जाने से पहले मैं जैसे वादा मैंने किया था, आपकी फरमाइशें जो आप लोगों ने एसएमएस की हैं, तो उसमें से एक हमने फरमाइश आज के लिए चुनी है। वो फरमाइश है रश्मि जी की। उन्होंने फरमाइश की बहुत ही खूबसूरत नगमा, बहुत ही प्यारा नगमा, नूर जहां साहिबा का गाया हुआ बहुत ही मशहूर और ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग चांदनी रातें। आप लोगों की नजर करते हैं जाते जाते हमारे जो स्टार्स हैं आप लोग सुनने वाले लिसनर्स, उनके लिए ये नगमा नूरजहां साहिबा का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत नगमा चांदनी रातें। आप लोग अपनी फरमाइशें भेजते रहिएगा, हम ऐसी ऐसी चुनते रहेंगे क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सबकी फरमाइशें पूरी करें, नहीं तो कौन जानता आगे क्या हो, हु नोस, किसी को पता नहीं है। कारवाने गजल इतना बड़ा हो जाए कि हम 24 घंटे यही बजाते रहेंगे आपकी फरमाइशें, है ना। चलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मैं हूँ तलत अजीज आपका मेजबान और आज का कारवाने गजल का प्रोग्राम अभी वैसे जारी है। मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, आपसे मैं खुद हाफिज कह रहा हूँ। शब खैर, गुड नाइट, सुनते रहिएगा कारवाने गजल और मजा लीजिएगा, लुत्फ उठाइए, और मैं भी आप सबका तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुड नाइट फ्रॉम 92.7 बिग एफएम कारवाने गजल से तलत अजीज।